हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अजय शर्मा। आज मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक अपने नए प्लांट और नई वीडियो के साथ। आज मैं जिस वाइल्ड प्लांट के बारे में आपके साथ बात करना जा रहा हूँ, उसका नाम है गुरुना। पंजाब में हमारे लोकल एरिया में उसको गुरुना कहते हैं, ऑल ओवर इंडिया उसको करोंदा भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको कोंकण बेरी और बुश पाम भी कहते हैं। सो इसका जो बोटैनिकल नेम है वो है कैरेसा क्रांदास। सो आप इस स्लाइड में देख सकते हो, ये प्लांट देख सकते हो, ये प्लांट है फॉरेस्ट में, जंगल जंगली एरिया में, बैरन लैंड में ये मेनली पाया जाता है, ऑल ओवर इंडिया पाया जाता है, बहुत सारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी पाया जाता है। ये इसके फ्रूट है, ये जो ब्लू कलर के फ्रूट है ये अनराइप, एंड ये ब्लैक कलर के जो है इसके राइप पके हुए जो फ्रूट है, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। इस प्लांट की बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। आयुर्वेदा में बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारी एलिमेंट्स मींस बीमारियों को ठीक करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। चलो आज हम दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, ये इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ट्रेडिशनली कहाँ यूज़ होता है, कौन सी फार्माकोलॉजिकल इसकी एक्टिविटी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पूरा प्लांट जो है एक कार्डियोटोनिक है। कार्डियोटोनिक्स मीन हमारे दिल के लिए इस प्लांट का एवरी पार्ट, चाहे वो फ्रूट है, फ्लावर्स है, बार्क है, या उसकी रूट है, जड़ें हैं, वो हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से इसको कार्डियोटोनिक भी कहते हैं। रूट्स हैव अ पर्गेटिव प्रॉपर्टी। सो बेसिकली ये श्रब है, झाड़ी टाइप का होता है ये प्लांट, जो फैमिली एपोसाइनेसी को बिलोंग करता है। सो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अफ्रीका, साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड वेरियस आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन। यानी कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पाया जाता है, मोस्टली अफ्रीका, साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करूँ तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कुछ पार्ट अफगानिस्तान, मॉरिशियस, श्रीलंका, बर्मा, इन सारी कंट्रियों में ये पाया जाता है। इसके जो बेस्ट है कहाँ पे ये होता है, रोकी सॉइल्स, सैंडी या रोकी सॉइल में ये बहुत इजीली ग्रो करता है। जैसे हमारा जो पंजाब में बलाचौर का एरिया है, जहाँ बहुत सारी सैंडी सॉइल है फॉरेस्ट एरिया में, या ये ऊना डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, हमारा लोअर शिवालिक हिल नालागढ़ का डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में इसको हम वाइल्ड करांदा या वाइल्ड कारावांदा भी कहते हैं। तो पंजाब में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पंजाब और कश्मीर में। पंजाब में मोस्टली इसको जंगली करोंदा कहते हैं। जो लोकल एरिया है हमारा, नंगल का, बलाचौर का, नूरपुर बेदी, इस एरिया में हम इसको गुरुना गुरुना के नाम से जानते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स जो लोकल इस एरिया को बिलोंग करते हैं, वो तो बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, हम इसको गुरुना कहते हैं। हम सिर्फ इसको, हमें पता है कि भाई इसका जो फ्रूट है हम वो खाते हैं। गुरुना में, गुरुने का एक झाड़ी है, प्लांट है, जिसपे ब्लैक कलर के फ्रूट लगते हैं, वो खाने में बड़े अच्छे हैं, हमें इतना ही पता है। आज मैं आपको इसके फायदे बताऊंगा कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो मैं आपकी आज इसकी ट्रेडिशनल यूजेस के बारे में बात करता हूँ। इसके फ्रूट आयुर्वेदा में जो करोंदा गुरुना के फ्रूट थे, वो एसिडिटी, अगर आपकी पेट में एसिडिटी है उसको ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते थे। इनडाइजेशन, अगर आपको प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता तो यूज़ किए जाते थे। अगर आपके कट लग जाए, बॉडी पे कोई चोट लग जाए, उसके ऊपर इसको एज एंटीसेप्टिक यूज़ करते थे, लीफ पाउडर को। स्किन डिजीजेज, अगर आपको स्किन की कोई बीमारी है उसके लिए, यूरिनरी डिसऑर्डर, अगर पेशाब की कोई बीमारी है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पेट में अल्सर है, आपके स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, खून की कमी है, ठीक है, तो इन सारी डिजीज़ों के लिए आयुर्वेदा में इस प्लांट को यूज़ किया जाता था। सबसे बड़ा जो यूज़ है इसके लीव्स, जो इस गुरुना के लीव्स होते हैं उसको हम जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया कहते हैं, हेपेटाइटिस, जन के लीवर रिलेटेड डिजीजों की रोकथाम के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा में यूज़ किया जाता है। जिनको अस्थमा है या फीवर रहता है वो भी इसके पत्ते खा सकते हैं,
उनका काढ़ा बना के पी सकते हैं। लीप डिकॉक्शन, डिकॉक्शन होती है काढ़ा, जो लीप से जो काढ़ा बनता है वो जो फीवर को, बुखार, अगर आपका आपको बहुत ज्यादा बुखार रहता है, बुखार टूट नहीं रहा, उसमें आप इसकी वो ले सकते हैं। डायरिया के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ईयर पेन, अगर आपके कान में दर्द है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें अगर इसकी जो फ्रेश लीव है ग्रूने के, एंड एक ये और प्लांट है ब्रैंडी रिथियाना, अगर उसकी रूट्स और इसके लीव्स को ग्रूना के अगर आप बॉयल करके पीते हो तो आपका पीलिया ठीक हो जाएगा। तो रूट्स, अब इसकी रूट्स की भी बहुत सारी वैल्यू है आपकी। इसकी रूट्स आप यूज कर सकते हो स्टमक पेन के लिए, कोई आपके पेट में कीड़े हैं उसके लिए, आपके मान लो इचिंग है बॉडी में, कहीं रैशेज पड़ गए हैं, रैशेज की ट्रीटमेंट के लिए भी इसके रूट पाउडर या पेस्ट को आप यूज कर सकते हो। डायबिटिक अल्सर के लिए इसके रूट पेस्ट को यूज कर सकते हैं। जो फ्रूट से जूस निकलता है, जूस को हम बहुत सारे जन के वाउंड इन्फेक्शन, अगर आपके बॉडी में इंटरनल कहीं कोई जख्म है अगर उसको ठीक करना है तो आप इसके प्लांट के फ्रूट का जूस पी सकते हो, जो इंटरनल आपकी हीलिंग करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो ये जो सारा प्लांट है, चाहे उसका फ्रूट है, चाहे लीव्स है, चाहे रूट है, आयुर्वेदा में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो मेनली ये लीवर की डिजीजेज, पेट की डिजीजेज, एब्डोमल पेन, इन ऐसी जो बीमारियां हैं, इलमेंट्स है, उसको ठीक करने के लिए ये यूज किया जाता है। इसके अलावा हम इट कैन आल्सो बी यूज एज ए हेज प्लांट। हेज प्लांट हम बाड़ लगाते हैं, शहरों में आपने देखा होगा घर के बाहर प्लांट्स की नेचुरल सी बाड़ होती है, उसके लिए भी हम इसको यूज किया जाता है। लाइव फेंस के लिए यूज किया जाता है। मान लो पहले हम अपने खेतों में बाड़ लगाते थे तो हम क्या करते थे, गुरुने को दरख्त को काट के, इसमें कंडे बहुत बड़े बड़े कंडे होते हैं जिससे हम इसको फेंस या बाड़ लगाने में भी यूज कर सकते हैं। इसके पत्ते, बकरियां बकरियां जो होती हैं इसके पत्तों को बहुत खाती हैं। आपने कभी सुना होगा कि भाई अगर किसी को डेंगू हो गया उसको बकरी का दूध पिलाओ। बकरी का दूध क्यों पिलाते हैं हम? देखो बकरियां क्या होती हैं, बकरी बहुत सारी झाड़ियां खाती हैं, जैसे गुरुना खा लिया, बहुत सारी जंगल में या जो ओपन में झाड़ियां होती है उसको खाती रहती हैं। अब जो झाड़ियां या जंगल में जो भी प्लांट बकरियां खाती हैं उनकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू होती है, वो उनके पेट में जाता है, उसके मिनरल या उसमें जो कंपाउंड होते हैं नेचुरल कंपाउंड, वो उनके दूध में आते हैं। वो दूध जब हम पीते हैं वो एक टॉनिक बन जाता है बकरी का दूध। इसीलिए कहते हैं जो बकरी का दूध है बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो ये इसके ट्रेडिशनल यूजेज हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जो के आयुर्वेदा में कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। अगर एस्कैरिस, आपकी बॉडी में मलप है, मतलब एक कीड़ा टाइप होता है जो आपके पेट में होता है, अगर ऐसा है तो आप 10 ml रूट डिकॉक्शन, आपने क्या करना है, रूट को पाउडर बना के 10 ml का उसको पानी में उबाल लेना है, ठीक है, उसको 2 बार दिन में लेना है तो आपके बॉडी के मलाप खत्म हो जाएंगे। अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम है, 4 ग्राम आपने कच्चे फ्रूट करौंदा के डेली लेने हैं जिससे आपकी पेट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपको फीवर है आप डिकॉक्शन बनाओ, ड्रिंक का कप इसके फ्रूट का या लीव्स का डिकॉक्शन बना के आप दिन में 2 बार पियो जिससे आपका फीवर खत्म हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग है, 10 रोज के 10 ग्राम पके हुए फ्रूट गुरुना के आप खाओ, आपकी इंटरनल हीलिंग हो जाएंगी। ब्लीडिंग गम, अगर दांतों में गम से पानी आता है तो 1-2 फ्रूट डेली करौंदा के खाओ जिससे ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ऐसे ही आप स्लाइड में देख सकते हो, एब्डोमन पेन है, 1 ग्राम पाउडर आप खाओगे रूट का हनी के साथ तो आपकी जो एब्डोमिनल पेन, जो पेट में दर्द है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको ड्राई खांसी है तो 5 ml लीफ जूस हनी के साथ अगर आप इसका कंज्यूम करते हैं तो आपकी ड्राई खांसी खत्म हो जाती है। देखो आजकल कोरोना का काफी चल रहा है, कोरोना में ड्राई खांसी होती है, तो अगर आप इसको रोकथाम के लिए यूज कर सकते हो, मैं आप इसका 5 ग्राम 5 ml लीफ लो, उसको पानी में उबालो, उसको बाद में छान लो, छानने के बाद उसमें 1 चम्मच शहद का डाल के रोज 5 ml 5 ml लेते रहो, तो ड्राई ड्राई कफ में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा ये डायरिया के लिए भी यूज किया जा सकता है। अनराइप फ्रूट 1-2 ग्राम डेली लो तो डायरिया ठीक हो जाता है, ठीक है। डाइजूरिया, बर्निंग पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, अगर आपको पेशाब करते हुए बहुत ज्यादा जलन होती है तो उस केस में भी आप 1 ग्राम
इसकी रूट पेस्ट बना के मिला, 1 ग्राम रूट लेके उसका पेस्ट बना के मिल्क के साथ लेते हो, तो आपके अगर पेशाब करते हुए आपको जलन होती है वो आपकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा ये एब्डोमल स्वेलिंग, ठीक है, अगर आपकी स्किन पे रेड पैचेस है, कोई स्किन डिसऑर्डर है, इचिंग है, अल्सर है, फीवर है, अगर आपकी स्किन फटी कटी स्किन है, तो उसमें भी आप इसके प्लांट की डिकोक्शन लीफ की बना के आप इसको ले सकते हो। मेंटल हेल्थ, अगर आप स्ट्रेस में हो तो रेगुलर आप इसके फ्रूट को डेली खाओ, 5-10 फ्रूट डेली खाओ, तो मेंटल जो आपकी स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगी, मेंटल हेल्थ आपकी जो के बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसके अलावा ये थे इसके ट्रेडिशनल यूजेस। तो इसमें डिकॉक्शन भी बना दी है, आप अगर इस स्लाइड को द्वारा देखोगे इसमें हर बीमारी को ठीक करने के लिए इसका एक जो कैसे हमें इसको यूज करना है वो दिया हुआ है, आप जो मेरी इसकी प्रीवियस स्लाइड थी वहां से ये देख सकते हो। तो आयुर्वेदा में जो ट्रेडिशनली ये प्लांट यूज होता है, उससे अलावा इसकी बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। सबसे बड़ी है ये एंटीवायरल, मैंने बताया ये ड्राई कफ के लिए यूज होता है, तो इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। आजकल कोरोना है तो इसके लिए आप इसके पत्ते की डिकॉक्शन बना के ले सकते हो शहद के साथ, जो आपको एंटीवायरल एक्ट करेगा। इसके अलावा इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, पेटोप्रोटेक्टिव, लीवर डिजीजेस को बहुत ज़्यादा ठीक करने में हेल्प करता है, एनाल्जेसिक मीन बॉडी की पेन को कम करता है, बॉडी टेम्परेचर कम करता है, कार्डियोटॉनिक मीन्स हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल है, स्नेक बाइट के लिए इसको एज ए एंटीडोट भी यूज किया जाता है। ये इसके थे फार्माकोलॉजिकल यूजेस। अगर मैं न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूँ, ये प्लांट इसके फ्रूट बहुत ज़्यादा रिच है फाइबर में, इसमें बहुत ज़्यादा लेपर्ड पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल एंड विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है, जिससे ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है। तो इसके अलावा इस फ्रूट में बहुत सारे मिनरल जो हमें डेली यूज में चाहिए होते हैं, लाइक पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्रूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एश कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो सीड आर रिच सोर्स, सीड जो फ्रूट के अंदर सीड भी होते हैं, हम क्या करते हैं फूड को पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, इसके फ्रूट को सीड के साथ ही कंज्यूम करना चाहिए, आपको सीड को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इसके सीड में भी बहुत ज़्यादा मिनरल होते हैं, वो सीड जो है पोटाशियम में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। तो ये यहाँ पे एक आप चार्ट दिख रहा है जिसमें कच्चे फ्रूट और पके हुए फ्रूट में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है क्या फ़र्क है। तो पके हुए फ्रूट में मोस्टली 80% इसमें वाटर होता है, फाइबर है, सोलुबल इनसोलुबल फाइबर है, आयरन, पोटाशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आप देख सकते हो विटामिन सी काफ़ी मात्रा में इसमें होता है। इससे अलावा पोटाशियम, आयरन बहुत ज़्यादा, आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है, हमारे ब्लड जो हमारी बॉडी में खून बनता है, खून बनने में आयरन बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है ये पके हुए फ्रूट में। अगर कच्चे फ्रूट की बात करूँ, कच्चे फ्रूट में आयरन कम होता है बट पोटाशियम ज़्यादा होता है, कच्चे फ्रूट में विटामिन सी भी कम होता है, वेयर एज अगर आप पका हुआ फ्रूट खाते हो तो उसमें विटामिन सी और जो के पोटाशियम और आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं बात करूँ इसकी फाइटोकेमिकल कंपोजिशन की। फाइटोकेमिकल कंपोजिशन क्या होती है कि इसमें नेचुरली कौन से कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें 100 से ज़्यादा जो है नेचुरल प्रोडक्ट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। तो हर किसी के बारे में बताना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, बट मैं इसकी क्लास, ये जो 100 टाइप के इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं, ये मेनली बिलोंग करते हैं फ्लेविनोइड को, कार्डिक ग्लाइकोसाइड जिसकी वजह से इसको कार्डिक टॉनिक कहते हैं, फिनोल्स, एल्केलॉइड, टैनिन, फ्लेवोटैनिन, टर्पिनोइड, कुमारिन, एंथ्रोक्यूनिन एंड रेजिन, ये जो है मेन क्लासेस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो इस प्लांट में पाई जाती हैं। इन जो जितनी भी मैंने आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट की क्लासेस बताई, इनके बहुत सारे फायदे हैं, ये हमारे कैंसर को ठीक करती है, एंटी डायबिटिक है,
सबसे बड़ी बात ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। आप ग्रीन टी पीते हो, ग्रीन टी की वजह अगर आप इसके रोज 10 फ्रूट खाओ, जितना ग्रीन टी से फायदा नहीं होता उससे ज्यादा फायदा आपको इसके 10 फ्रूट खाने से होगा, 10 पके हुए गुरुने खाने से होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एल्केलोइड है, बट इसमें और ज्यादा अभी रिसर्च की जरूरत है कि कौन कौन से एल्केलोइड इसमें है। अगर HPLC एनालिसिस जो है इसका प्लांट के जूस का, फ्रूट जूस का, उससे पता चलता है इसमें आइसोक्यूरिस्टेन, माइरेस्टेन, कैम्फिरोल वगैरह इसके लीव में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट का काम करते हैं। अगर मैं टॉक्सिसिटी की बात करूं, हमें एक्सेसिव फूड फ्रूट है जो कंज्यूम नहीं करना चाहिए इसका टॉक्सिसिटी। मैंने देखो जितनी भी मैं बार मैंने आपको बात किया, आपको बोला कि रोज 10 से 15 इसके फ्रूट खाओ, ऐसा भी है आप 20, 25, 30 फ्रूट भी खा सकते हो, इसके कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बोलो रोज आधा किलो खाओगे, वो आपको टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, ये आपको आपकी सेक्सुअल जो फंक्शनिंग है उसमें इफेक्ट करेगा, उसको आपकी सेक्सुअल हेल्थ कमजोर हो जाएगी। ठीक है, बट अगर आप इसको डेली बहुत ज्यादा सेवन करते हो, बट अगर आप रोज 5, 10 फ्रूट खाते हो या 20, 25 फ्रूट खाते हो, वो आपकी हेल्थ के लिए वरदान है, टॉनिक है, इससे ज्यादा ये सजीवनी बूटी का काम करता है आपके लिए, जितने इसके प्लांट के फायदे हैं। तो अनराइप फ्रूट हमें ज्यादा नहीं खाने चाहिए, अगर अनराइप फ्रूट तभी खाने चाहिए जब हमें किसी पार्टिकुलर डिजीज को ठीक करना है, और वो भी लिमिटेड अमाउंट में। ज्यादा अगर अनराइप फ्रूट खाओगे तो उनका टेस्ट थोड़ा बेटर होता है, जिससे आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। मैं इस आज की स्लाइड को, जब प्रेजेंटेशन को, वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, ये गुरुना के बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, पोटेंशियल है, इट गिव स्ट्रेंथ टू कार्डिक मसल, ये हमारे हार्ट में जितने भी मसल है उसको स्ट्रोंग करता है, जिससे हमारे दिल के काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। बिकॉज हमारी बॉडी में जितनी खून की सप्लाई ज्यादा होगी उतनी हमारी बॉडी की एक्टिविटी ज्यादा होगी, ये उसमें हेल्प करता है। ये हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बॉडी में स्ट्रेस को कम करता है, डाइजेशन को हमारे को ठीक करता है। इसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको एज ए हेज हेज ग्रेट हेज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो हम घरों में फेंसिंग करते हैं शहरों में, उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ये डबल फायदा करेगा, हेज का काम भी करेगा, आपको फ्रूट भी देगा, और कभी भी आप बीमार हो इसके पत्ते लो और या रूट्स लो, इसका काढ़ा बना के आप पी लो, वो भी आपको ये ठीक करेगा। जंगलों में इसको बहुत ज्यादा सॉइल इरोशन के लिए यूज किया जाता है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं जो मिट्टी को वहां से खिसकने नहीं देती, तो सॉइल इरोजन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसकी जो ये स्पीसीज है करोंदा, इसमें बहुत सारे प्लांट होते हैं, पर सभी प्लांट में इतनी ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो रखी, तो ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है रिसर्चर के लिए, नॉट इन इंडिया, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा इस प्लांट पे रिसर्च की जाए, ताकि हम लोगों को बता सके कि इसके हमें क्या बेनिफिट है। अगर मैं बात करूं, देखो मैं सिंपली आपको एक बात बताता हूं, आजकल मार्केट में जितनी भी दवाइयां हैं वो ज्यादातर दवाइयां नेचुरल प्रोडक्ट इंस्पायर्ड हैं या नेचुरल प्रोडक्ट से बनती हैं। तो आज की मैं बात एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, क्लोरोहाइड्रोक्सी क्यूनीन जो है कोरोना वायरस के लिए इंडिया ने यूएसए को भी दी, ब्राजील को भी दी, दूसरी कंट्रियों को भी दी। तो जो क्लोरोहाइड्रोक्सी क्यूनीन है कहाँ से आई, सबसे पहले जो ये ड्रग है क्यूनीन, ये प्लांट से ही निकाली गई थी, ये सिंकोना प्लांट है, उसकी बार्क जो छल कहते हैं, छल से निकाली गई थी, जिससे मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज किया जा सकता था। उस क्विनीन से इन्होंने क्लोरोहाइड्रोक्सी क्विनीन बनाया। तो ये जो ड्रग है ये भी प्लांट से ही बनी है। दुनिया में बहुत सारी डिजीजे जो ड्रग मार्केट में अवेलेबल है वो नेचुरल प्रोडक्ट है या नेचुरल प्रोडक्ट इंस्पायर है। इसके लिए मैं पहले ही कहता हूं कि नेचर ने हमें हर बीमारी का तोड़ दिया है, पर हमें उसको ढूंढने की जरूरत है। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू इन फ्यूचर विद दिस प्लांट। सो दीज आर दी रेफरेंसेस, ये आपकी स्क्रीन पे रेफरेंसेस, रिसर्च पेपर जो मैंने पढ़े हैं, जो मैंने आर्टिकल पढ़े हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, उसके लिंक दिए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इन लिंक पे जाके इस प्लांट के बारे में ज्यादा पढ़ सकते हो। तो अगर दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल।
फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। देखो नॉलेज ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसको अपने तक सीमित मत रखो। हो सकता है आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करो, किसी को, किसी भी मेरे भाई को, बहन को, या किसी भी मेरे दोस्त को, या आपके किसी भी दोस्त को कोई ऐसी बीमारी है या डिजीज़ है जो नहीं ठीक हो रही, या वो दवाइयाँ लेके थक चुके हैं, वो इसको ट्राई कर सकते हैं। देखो ट्राई करने में क्या हर्ज है, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट तो है नहीं। मैंने आपको कोई गलत चीज़ तो बोली नहीं, आपने बस पके हुए गुरु ने खाने हैं, इसके पत्तों को चुबाना है। अगर उससे आपको बेनिफिट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसमें खराब बात है ही क्या। सो फ्रेंड्स, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो। तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ बनाऊंगा, मैं एक तो कुरियां, जिसको हम जंगली बेर भी कहते हैं, ठीक है, तो अगली वीडियो मैं कोशिश करूंगा उस पर आपको बताऊंगा कि उसके क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद एक होती है बसुटी, हमारे लोकल गांव में जिसको बसुटी कहते हैं, बोटेनिकल नेम है एडाटोदा बिस्का, आयुर्वेदा में उसको बास्का कहते हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बसुटी हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा होती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आप बाबा रामदेव की कोई भी आयुर्वेदिक कोई भी कफ सिरप है, क्योंकि आजकल कोरोना है, कोरोना मेनली अटैक कहाँ करता है, हमारे गले में और हमारे लंग सिस्टम में। मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि ऐसे प्लांट के बारे में आपको पहले बताऊँ जो हमारे कफ को, खांसी को या फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस पार्ट में एडाटोदा बिस्का, बसुटी बहुत अच्छा पार्ट प्ले करती है। इसमें बहुत ज़्यादा एल्केलॉइड होते हैं जो कि हमारी ड्राई कफ या खांसी को ठीक करने के लिए यूज़ किए, जितने भी कफ सिरप जो ये खांसी की दवाई आती है, जिसको हम बोतल में आती है टॉनिक या लिक्विड जो दवाई आती है, उसमें अगर आपने कभी लेवल पढ़ा हो, उसमें आप हमेशा पढ़ोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ एडाटोदा बिस्का। सो आज के लिए बस फ्रेंड इतना ही, थैंक्स, जय हिंद।